कैमरा खो गया था हाँ। तो हम भगवती से प्रार्थना किए थे अगर मेरे बेटा का कैमरा मिल जाएगा हाँ। तो मेरी हाजिरी यहाँ होगी हाँ। हो सकता है यही बहाने इतिहाक था हाँ। माँ भगवती हमको यहाँ बुलाई अच्छा। और क्रियांश आ गया है हमारे साथ, तो अभी क्रियांश का भी कुछ नहीं मिला, तो अपना हाथ ही खा रहा है। सिंदूर लगाए, इस मंदिर का एक खासियत है, कितना भी बच जाएगी सिंदूर तो मृदेह में लगी जाएगा। देखो लग गया। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में जी। जैसा कि पिछले ब्लॉग में हम लोगों ने बताया था कि हम लोग निकलने वाले हैं एक ट्रिप पर। हाँ जी, उस ट्रिप पर हम लोग निकलने वाले हैं और सारी शॉपिंग भी हो चुकी है। अगर आपने उस ब्लॉग को नहीं देखा है तो वो लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और डाल देंगे आई बटन में, आप लोग उस ब्लॉग को जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 9 और इस समय जो है हम लोगों का खाना लग चुका है, तो चलते हैं सीधा चल करके खाते हैं, बाकी बात आगे करते हैं। The next day. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8 और मौसम आज भी है बड़ा बेहतरीन, और आज जो है हम लोग को कहीं निकलना भी है। तो मम्मी जो है सवेरे ही आ चुकी है छत के ऊपर और जिया भी जग चुकी है, तो सारा काम धाम जो है जल्दी से अब निपटाना है ताकि हम लोग जो है समय पर निकल सके। आ गए हैं जी थोड़ी देर के लिए छत पर, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा धूप सेक रहे हैं, मजा आ रहा है छत पर अभी ऐसे मौसम में। वरना आज से ठीक एक महीना पहले ऐसा मौसम था कि सुबह के 7 बजे भी आना यहाँ पर मुश्किल था, इतनी तेज धूप होती थी वह। और जिया यहाँ पर आ गई है फूल सब तोड़ने के लिए, फूल सब खासा खेल गया है, दिखाते हैं आपको। स्पेशली हमारा जो यह गुलाब है देख सकते हैं, तोड़ के ना लड्डू गोपाल को चढ़ाते हैं। अच्छा, और कुछ कुछ फूल सूखे भी जा रहा है जिसको जिसको नहीं तोड़ी है, जैसे देखो ये सूख रहा है, ये सूख रहा है, तोड़ लेते हैं, ये लेते सूख जाएगा। खिला हुआ फूल को तोड़ ही लो तो अच्छा है। टूट गया पंखुड़ी इसका, कोई बात नहीं ऐसे ही। तो देख सकते हैं अच्छा खासा फूल खिला हुआ है। ओहो, खुशबू भी आ रही है, एकदम खुशबू लेकिन आ रही होगी इस फूल की, इसी में रहता है ना शायद। हाँ, पूरा खिलता है। कौन सा वाला? ये वाला फूल, ये अरहुल है, ये अभी सूटक गया, तोड़े नहीं तो सूटक गया, तोड़े नहीं, इतना बड़ा होता है। तो जिया अपना कपड़ा को प्रेस कर रही है जी, और हम चलते हैं चल करके अपनी गाड़ी को लेकर के आ जाते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि कालीन पे कर रहे हैं, लेकिन ये जो कालीन है अभी हमने जस्ट बिछाया है, तो ये साफ, ये असल में बिछाने के लिए ही हमने लिया है, लेकिन इसको कभी बिछाया नहीं गया है, अभी नया है तो सोचे इसी पे प्रेस कर लेते। अच्छा, ये प्रेस करने के काम आएगा, तो चलते हैं बाहर। तो जी हम हो गए तैयार, और अंदर जो है मम्मी और जिया सभी लोग हो चुके हैं तैयार, और अब जो है यहाँ से कर रहे हैं निकलने की तैयारी। और क्रियांश तो आज जो है सबसे पहले तैयार हो गया था, तो अब चलते हैं। अच्छा, जग भी गया क्रियांश? जग गया ये। जो है सभी लोग बैठ चुके हैं। अच्छा, उस सीट को आगे कर देते हैं। रुक जा। तो सभी लोग जो है जी गाड़ी में बैठ गए हैं, और अब यहाँ से कर रहे हैं निकलने की तैयारी। और इधर जो है जिया की बात हो रही है पूजा जी से कि आने का जो है कुछ प्लान आगे पीछे हो रहा है, शायद शिवांश की तबीयत खराब हो गई है, तबीयत को देखते हुए जो है देखा जाएगा जैसा हो। हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक दो दिन डिले से भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो घर से तो निकल गए जी, बीच रास्ते में रुक गए थे एक दुकान में, यार कुछ मिठाई लेना था प्रसाद के लिए, तो हमने प्रसाद के लिए मिठाई तो ले लिया है, अब चलते हैं। लेट भी थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, आज ज्यादा देरी नहीं करते। ए, तुम क्या कर रहा है? बाबा को छोड़ के आ गया? वैसे तो बाबा को छोड़ता नहीं है तुम। One hour later. तो हम लोग पहुंच गए जी मंदिर के पास, और अब सभी लोग यहां से चल रहे हैं, गाड़ी को उधर लगा दिया हमने। चांस अच्छा है कि सोया हुआ है, सोते सोते अपना जो है पूरा मंदिर दर्शन भी इसका हो जाएगा। उस बार भी ऐसी है सोया। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा अच्छा पोस्टर सब है, बच्चे का भी पोस्टर है, हम लोग खरीदे थे एक समय, लेकिन अब इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि अब खुद हमारे घर में बच्चा है। इसी का इतना पोस्टर मेरे घर। तो इस दुकान पर आ गए हैं जी, यहाँ से कुछ सामान लेना है पूजा का, तो जिया ले लो जो लेना। कितना लोटकी लेगी? तीन लोटकी दीजिएगा। क्रियांश भी अब जग गया है। हेलो क्रियांश। ओए क्रियांश, ओए टेक टेक मोबाइल रख लीजिए आप पॉकेट। हां रख लेते हैं। हां चार गो लोटा ले ले, जल ले ले, सिंदूर ले ले, पहले हाथ धरवन जल ले ले, पहले तो सिंदूर। मार के किस लिए आया उधर? अगरबत्ती तो नहीं है? हां ले ली। हमारा पहरा धो गया जी धुला हुआ, और क्रियांश का भी पहरा धुल गया है ना, और क्रियांश जो है अभी गोद में मजे में है और पूरा निहार रहा है इधर उधर मंदिर को, इसको अच्छा लग रहा है, एकदम नया नया जगह, एकदम खुला खुला जगह। और क्रियांश का बस चली अभी तो इसको नहीं आता है पैर पर चलने और घुरकने, यह सब नहीं तो जब बड़ा हो जाएगा तो घुरकता रहेगा। और अभी जो है मम्मी और एक आंटी जी है हमारी पड़ोस की, साथ में उनको भी ले लिए, दोनों गए हुए हैं पूजा करने के लिए अंदर। हम और जिया जो है बाद में पूजा करेंगे, उन्होंने कहा कि साथ में ही तुम दोनों पूजा कर लेना, हम लोग पूजा करके आते हैं पहले, तो
कहे चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो वो लोग आएंगे फिर हम लोग चलेंगे अंदर। हमारी तो पूजा हो गई जी, जिया वहाँ पर बोल रही है ना। ये कैमरा खो गया था तो हम भगवती से प्रार्थना किए थे अगर मेरे बेटा का कैमरा मिल जाएगा तो मेरी हाजिरी यहाँ होगी। हो सकता है यही बहाने दिमाग था, माँ भगवती हमको यहाँ बुलाई। करोड़ों बार उनके चरण में शुक्रगुजार हूँ। और एक और इतफाक है कि हम दोनों बहन इसी बहाने तीर्थ किए। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दुनिया बुलंद रहे, साथ में हम भी रहे। इसी जगह जी कम से कम 4 से 5 मंदिर हैं, तो हम लोग 2 मंदिर में तो पूजा कर चुके हैं, चल रहे हैं दूसरे मंदिर में। तो वहाँ पर जो है जिया आंटी और दीदी दोनों जा रहे हैं और क्रियांश आ गया है हमारे साथ। तो अभी क्रियांश का भी कुछ नहीं मिला था, अपना हाथ ही खा रहा है। वैसे कोशिश कर रहा था कि कैमरा को हाथ में ले, और कैमरा को हाथ में ले करके अपना मुँह में ले लेता है ना क्रियांश। ओए इधर देखना, सभी लोग तो पूजा कर ले जी। अब क्रियांश को भी दिया पूजा करवा रही है, करना इसके हाथ से पकड़वा दो। हाँ चलो ये ले पकड़ो, चल भगवान का देने बदला यही ले लेगा। अब चल रहे हैं जी हम लोग पूजा करने इस बजरंगबली मंदिर में। तो आंटी तो पूजा करके आ गई, जिया मम्मी और मैं बाकी है, तो एक एक करके चलते हैं सब। ये जल ले लो। तो हमारी तो हो गई जी पूजा, और पूजा करके हम लोग को यहाँ से एक और मंदिर चलना है। सिंदूर लगाए, इस मंदिर का एक खासियत है कितना हाँ। भी बज जाएगी सिंदूर तुम्हारे देह में लगी जाएगा। बहुत शुभ माना जाता है। ये देखो लग गया, कहीं ना कहीं लग गया होगा। इसको देखो कितना लगा है। ठीक है चलो, वहाँ जूता चप्पल पहन लो अपना। सब सारा पैसा उसे दे दीजिए, उसको दे देते हैं। तो हो गई जी यहाँ पर पूजा, और काफी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के अपने परिवार के साथ। पिछली बार तो हम लोग आए थे, हम जिया और गोलू आए थे, और इस बार जो है हमारा पूरा परिवार साथ आया, तो काफ़ी अच्छा लगा। पापा भी रहते तो काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन घर में किसी एक आदमी का रहना जरूरी होता है, तो इसलिए पापा वहाँ पर थे, नहीं तो पापा भी जरूर आते हमारे। सभी लोग जी गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से जा रहे हैं तितरी मंदिर की तरफ। तो क्रियांश बीच में जो थोड़ा रोने लगा, तो लगता है उसको भूख लग गई है, तो उसका दूध जो है तैयार किया गया। फिर इसके बाद जो है हो गया ना तैयार, चलते हैं अब। और यहाँ से अब सीधा रुकेंगे तितरी दुर्गा स्थान। 2 hours later तेतरी दुर्गा स्थान पहुंच गए जी। हमें ध्यान है लास्ट टाइम जब यहाँ आए थे तो बहुत ही चिंतित थे कि कैमरा मिलेगा कि नहीं वापस जाते समय, लेकिन जब हम लोग वापस जा रहे थे तो माता रानी की कृपा थी कि डूमर में जो है हम लोगों का कैमरा मिल गया। कैमरा वहीं छूटा हुआ था, एक दुकान में जहाँ चाय पीते थे वहीं पर अपना कैमरा रखा हुआ था। फिलहाल जो है सब लोग आ चुके हैं, सब लोग बाहर निकल चुके हैं। गाड़ी लॉक कर देते हैं, हो गया लॉक। वहाँ से जो हम लोग निकले हैं कुछ खाना भी नहीं खाए, हम लोग का था कि पहले पूजा कर लेंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे। पहले माता पार्वती के चरण में कोटि कोटि निर्जा का प्रणाम। हम जो मांगे थे वो हमारा कैमरा मिल गया। और हम कैमरा तो एक साधारण चीज है, कैमरा हमसे क्या मांगेंगे। सब बस यही कहते हैं जो आप संसार दिए अमानत रहे, मेरे साथ साथ सबका रहे, और बस यही हम आपके यहाँ के रहे। बिल्कुल जी, तो चलते हैं सीधा, आप चल करके पूजा करते हैं। इस मंदिर को जो बनाया गया है जी, सच में जी बहुत ही खूबसूरत मंदिर को बनाया गया है। देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग लगता है कि 8-10 मंजिल उतना तो जरूर होगा। हमारी हो गई पूजा अर्चना, इसके बाद जो है बारी है कुछ पेट पूजा करने की, तो सीधा चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कुछ अच्छा खाने का मिल जाए तो कहीं खाते हैं। पूजा तो यहाँ पर हो गई जी, और जी आ गई है यहाँ सब्जी मंडी, पास में ही सब्जी सबका भी ढेर सारा दुकान है यहाँ पर। 20 minutes later अभी यहाँ पर हो गई जी पेट पूजा, और पेट पूजा करके जो है अब निकला जाएगा कटिहार की तरफ। बीच रास्ते में फिर कुछ मिलेगा, वैसे हम लोग को मन है कुर्सेला में झालमुड़ी खाने का। खाएंगे ही, आप खाएंगे। दीदी चना वाला साग लेगी लाने।